दोस्तों, क्या हाल चाल है? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज की मेरी रूटीन शुरू हो चुकी है। सो अब्दुल्ला को मैंने करा दिया है लंच। अब इसको मैं सीधे ट्यूशन छोड़ने जाऊंगी। और आज अब्दुल्ला को जो मैंने खिलाया है वो है दलिया। आज अब्दुल्ला ने दलिया पूरा फिनिश कर दिया है। एक्चुअली अब मैं ना अब्दुल्ला को थोड़ा ये होता है कि अब्दुल्ला खुद भी खाना खाता है, क्योंकि इसको अप्रैल से स्कूल जाना है, तो वहाँ पे तो लंच इसे खुद करना होगा। तो इसलिए अब थोड़ा मैं ना ही कोशिश करती हूँ कि जैसे अब्दुल्ला खुद खाए। तो कल मैंने जैसे मैंने इसको मैक्रोनी बना के दिए थे, तो अब्दुल्ला ने मैक्रोनी खुद खाए थे। से हाय आजकल अब्दुल्ला को फौज का जुनून है, तो इसे सब कुछ लूट करता है। और बस इसका टाइम हो चुका है, तो मैं पहले से छोड़ने जाऊँगी। अच्छा हुआ इसने म्यूट कर दिया, वरना मेरे तो अक्सर वीडियो में ना थोड़ा सा भी कुछ होता है ना तो कॉपीराइट ज़रूर आ जाता है। घर की सफाई हो गया, जब भी मैंने थोड़ा सा एसी ऑन किया था, लेकिन लग नहीं रहा ठंड वंड, क्योंकि हुआ ये है कि यहाँ का तो आपको पता है वेदर, सुबह इतनी ठंड होती ही नहीं है। UAE में के इंसान को पता चले कि हाँ ठंड है, थोड़ा वेदर की इसकी वजह से लाइटें भी यहाँ पे ना मतलब कम लग रही होती है, इसलिए मुझे खोलना पड़ा। फाइनली मैंने सब कुछ करने के बावजूद ये खिलौने जो होते हैं ना अब्दुल्ला के, वो कहीं से भी सिमटे हुए नहीं होते, क्योंकि अब्दुल्ला निकालते हैं ना, अब्दुल्ला को मैंने कितनी दफ़ा बोला है अब्दुल्ला निकाल के ना वापस रखा करो, जल्दी रखो सारे टॉयस, बड़े वाले इसके अंदर रखो जल्दी से, समेटो जल्दी और ट्यूशन चलो, मुँह साफ करो। अभी अब्दुल्ला को मैं यही कर रही हूँ कि अब्दुल्ला अपना काम खुद करेगा, क्योंकि अब स्कूल जाएगा तो अब्दुल्ला बड़ा हो गया, इसलिए अब्दुल्ला अपने काम खुद करेगा। ठीक है, ओके, यस सर, चलो जल्दी से भरो और चलो फिर ट्यूशन चलते। हाँ जी, तो अब्दुल्ला को मैं ट्यूशन छोड़कर आ गई हूँ, और अब ये है कि बहुत अंधेरा हो जाता है, अगर यूं भी लाइट भी खोलो ना यहाँ की, तो ये दिन में अब समय सूरज इस साइड पर होता है ना, तो एकदम से अंधेरा सा आने लगता है। खैर, हैंड वॉश मैंने डाल दिया था, अब नजर आ रहा है कि थोड़ा सा हैंड वॉश निकल ही नहीं रहा था, तो मैंने सोचा थोड़ा इसके जाग थोड़ा कम होंगे ना तो हो सकता है ये निकले, तो इसलिए मैंने इसे यहाँ पे रखा है। और बस थोड़ा सा भूख लगी है तो ना खाऊंगी। और मैंने कल बनाई थी फिश बिरयानी, सो फिश बिरयानी है, मैं गरम करके खा लूँगी और फिर उसके बाद वो है हमारी रूटीन खाने की। और चलिए पहले फिश बिरयानी को गरम करती हूँ माइक्रोवेव में। ये ना मैं फ्लावर्स देख के लेकर आई हूँ, छोटे छोटे से अपना गमले जो होते हैं वो, तो इसकी भी मैं स्टोरी आपको भी बताती हूँ मैं कितने लेकर आई हूँ। ये तो फिर भी अच्छा लग रहा है, और क्या हुआ है मेरे साथ वो भी मैं आपको बताऊँगी। पहले मैं रख देती हूँ ये गर्म करने के लिए, फिर उसके साथ साथ हम बात भी करते रहते हैं। एक्चुअली मैं गई थी ना फ्लावर्स पे, जहाँ पे ये मिलते हैं नेचुरल, वहाँ पे लेकर आई तो मुझे लग रहा था कि महंगे होंगे, लेकिन ये सस्ते मिले। और उसने मुझे अनानास शॉप वाले ने बोला था कि, मैंने उससे पूछा भी ना कि ये 1 धरम के मुझे मिले, तो मैंने उससे पूछा कि ये आप ये 1 धरम के दे रहे हो तो ये कितने मतलब यार तक दे सकते हैं, या कितने मतलब दिन में? उसने मुझे बोला था कि 4 मंथ है ना, कि 4 मंथ था कि ये ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। और मैं इसमें लेकर आई थी 5, वो मैंने यहाँ पे रखे थे इस तरीके से ये गमलों को। तो इसमें एक्चुअली हुआ ये कि वो जो वाइट वाला दिखा है वो तो बिल्कुल सही रहा, लेकिन इसके जो फ्लावर है ना ये सूखने लगे। और अभी मुझे सिर्फ 2 डेज हुए हैं लाए मैं इसको, मैं ये मंगल के दिन, हाँ ट्यूसडे के दिन मैं लाई थी। तो अब ये कि देखिए फ्लावर है ना ये मुरझाने लगे हैं, जबकि मैं इसको यहाँ रख रही हूँ, पानी भी मैं इसको सुबह ही डालती हूँ, लेकिन ये ख़राब होने लगे। तो मैं आज इन शॉप वाले के पास जाके भी बोलना है कि आपने तो 4 मंथ का बोला था, ये 2 डेज में ये काम हो गया सारा। 2 यहाँ पे मैंने रखे थे, एक ये रहा जो मैंने बताया,
और ये फिर भी सही रहा है। और दो महीने ये खरीदे थे, यहाँ कहीं नजर आए तो असल में रोशनी बहुत है ना, इसमें नजर नहीं आ रहे, रोशनी इतनी है ना कि वहाँ नजर नहीं आ रहा है। वरना मैं आपको दो फ्लावर का भी बताती, मैं ऐसा करूँगी इसको निकाल के बताऊँगी, या थोड़ा अभी जो टाइम थोड़ा जब हो जाएगा ना ये सूरज ग्रुप होने के टाइम, तो मैं ये बनाकर आपको ज़रूर बताऊँगी। रोशनी की वजह से ना नहीं होती, ये बहुत गर्म है। चलिए पहले मैं इसको निकाल लूँ। तो चलिए अब मैं खाना खाती हूँ और फिर उसके बाद आप लोगों से बात करती हूँ। दुल्हा ने ना सारा दिन कल मुझे केक दिखाया है, ये कार्टून जो आता है ना इसका पिक का फेवरेट कार्टून है इसका। हुआ ये था कल इसको ट्यूशन जल्दी जाना पड़ा था, क्योंकि वो ऊपर जो जहाँ ट्यूशन जाता है उसकी बेटी की बर्थडे थी शाम में, तो वो सुबह जिसको जल्दी बुला लिया था। तो बस अब्दुल्ला साहब है ना पूरा दिन भी यही लगा के रखा। ये जहाज के ख़ास तौर पे अब्दुल्ला ना अपने बाबा से बनवाता है, चाहे अब्दुल्ला को आप लाख खिलौने ला के दे दो लेकिन आखिरी में उड़ाता ये यही जहाज़ है। और ये जहाज़ भी फेंकता भी नहीं है, ये इस तरह की शीट्स से इसके बाबा लाते हैं और ख़ास तौर पे ना इसके लिए इस तरह की जहाज़ बनाते हैं। तो ये मार्क्स लूलू के अंदर मिल रहे हैं ऑफर्स में, तो ये मैं लेकर आई थी। ये लूलू में 10 दरम्स के अंदर 3 मार्क्स मिले थे हमें, एक एलोवेरा का था और एक गोल्ड का था और एक रेड का था। तो हमने ये जो 3 मार्क्स खरीदे थे, बहुत अच्छी ऑफर लगी है लूलू में, आजकल बहुत अच्छी ऑफर है। आज भी जो लूलू का मेरे पास मैसेज आया उसमें 10, 50 और 20 यानी 10, 15, 20 की सेल लगी हुई है। तो जिसको भी लूलू में शॉपिंग करनी है तो प्लीज़ ज़रूर विजिट कीजिएगा लूलू में, क्योंकि वहाँ पे आजकल ऑफर चल रही है। और ये आप ये मार्कशीट जिसको मतलब फीचर क्या कहते हैं मार्कशीट ही कहते हैं जिसको भी ये लगाते हैं तो चाहिए, तो ये वहाँ पे सस्ती मिल रही है, तो ज़रूर जाके लीजिए। 10-3 बुरी ऑप्शन नहीं है। तो मुझे तो अच्छी लगी थी, मैं लेकर आई तो सोचा आप लोगों को भी बता दूँ। तो जाइए, आज भी मैं रात में निकलूँगी क्योंकि जो 10, 15 और 20 की सेल लगी है तो शॉपिंग तो करनी है, घर की ग्रोसरी वगैरह, तो मैं ये वहाँ से करूँगी। सारे देख रहे थे, एक्चुअली मेरा कश्मीरी लाल मिर्च देख रही थी, मैं समझती थी ख़त्म हो चुकी है लेकिन ये मैंने लेके रखी थी 16 तारीख को ना, और ये ली थी मैंने अनवर से कश्मीरी लाल मिर्च चाहिए थी, क्योंकि आपको पता है कि मैं जो यूज़ कर रही हूँ ये बॉक्स, तो इसमें ना ये जो मैंने जब ख़रीदा था ना मुझे ये लग रहा था कि वो जो पुराने होते हैं ना जिसमें क्या कहना चाहिए अलग से ना मतलब बने हुए होते हैं उसकी, मैंने जहाँ तक देखी थी ना वो कटोरियाँ बड़ी बड़ी होती हैं, तो मैंने उस लिहाज से लिया था। तो एक तो मैं जब ऑनलाइन ले रही थी ना तो मुझे तो वही लेना था स्टील का, लेकिन मेरे हस्बैंड को ये पसंद आया था तो हमने ये लिया था। तो इसमें जो ये कटोरियाँ है ना ये थोड़ी छोटी है, तो इसमें जो मैं मतलब निकालती हूँ लाल मिर्च वगैरह तो इसमें निकालती हूँ, और बाकी जो होती है ना तो मैंने इस तरह की ये बाल्टी है। अब ये बाल्टी क्या है, ये अब्दुल्ला की, जब अब्दुल्ला को ना पहले हर चीज़ का मतलब शौक होता है कुछ महीने, जैसे बच्चों को होता है इसी तरीके से, तो इसको गम्बीज का शौक था तो इसके अंदर गम्बीज थी, हमने ख़रीदी थी तो फिर मैंने ये इस तरीके से ले लिया था। तो फिर इसके अंदर क्या है कि मैं सारे इतना मसाले वगैरह रख देती हूँ ना जो मैं यूज़ कर बाकी रखा होता है, वो जो चिल्ली फ्लेक्स भी चाहिए ना डालने के लिए, तो यहाँ पे मैं चिल्ली फ्लेक्स डालूँगी। यहाँ पे कश्मीरी मिर्च का मैं कश्मीरी मिर्च की यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड तेज़ नहीं खाते हैं, तो इस वजह से सारी चीज़ें मुझे देख के, एक तो मिर्च और एक नमक, ये इसमें जब मैं डाल रही होती ना तो मुझे डर लग रहा होता है कि कहीं तेज़ ना हो जाए या नमक ज़्यादा ना हो जाए, इसलिए ना आप नमक है ना मैं हिसाब से और चक्कर और पहले थोड़ा सा डालती हूँ, फिर देखती हूँ कि हाँ थोड़ी ज़रूरत है तो डालती हूँ, वरना फिर मैं थोड़ा ही नमक डालती हूँ क्योंकि नमक एक ऐसी चीज़ है कि इसे हम ऊपर से डाल के खा सकते हैं,
लेकिन इसे अगर हम ज्यादा कर देना तो इसे कम करना बहुत मुश्किल होता है। तो इस वजह से ये नमक, लाल मिर्च ऐसी चीजें हैं कि जो मैं ना लास्ट में डालती हूँ। और मिर्च तो मैं हमेशा कम ही डालती हूँ, कश्मीरी मिर्च भी मैं कम ही डाल रही होती हूँ, और नमक है वो तो इतना कम डालती हूँ कि बस ऊपर से डालने की नौबत ही आती है। इसलिए अब ये कि मैं इसके अंदर ये सारे मसाले डालती हूँ और खाने की तैयारी शुरू करूँगी। आज खाने में बन रहा है तुरई का सालन, मैं लेकर आई रही थी कल पाकिस्तान ग्रोसरी से, तुरई गई थी कल वहाँ पे मैं एसेंस खरीदी है ना, बिरयानी एसेंस होना। तो हुआ ये कि मुझे तुरई अच्छी लगी तो मैंने सोचा चलिए ना तुरई भी खरीद लेती हूँ। तुरई खरीद तो ली, लेकिन तुरई मिली मुझे 12 दरम की। यहाँ पे पाकिस्तानी ग्रोसरी में ना सामान बहुत महंगा है, और खासतौर पर पाकिस्तानी जो सब्जियाँ होती ना वो तो बहुत ही ज़्यादा महंगी है, जिसकी वजह से ना लेने का दिल नहीं करता पाकिस्तानी ग्रोसरी से, क्योंकि इतना महंगा होता है फिर फ़ायदा नहीं है ना। इतना महंगा खरीदे तो इससे अच्छा मदीना है, लूलू है, फिर वो सही है। असल में मदीना लूलू में ना चीज़ें तो अच्छी मिलती है, लेकिन सब्जियाँ ना मतलब फ्रेश नहीं लगती मुझे, तो इस वजह से ना फिर हमें वहाँ पर ख़रीदना ही पड़ता है। मगर क्या करें, ख़रीदना तो पड़ता है। लेकिन ना एक बात है, मदीना में फिर भी सही मिल जाता है। मुझे तो लूलू भी सही लगता है, लेकिन मेरे हस्बैंड को ज़रा लूलू में ना वेजिटेबल्स और फ्रूट्स वगैरह ना सही नहीं लगते। ये नज़र आ रहे हैं तो ये दो फ्लावर के भी मैंने ना ख़रीदे थे, तो ये दो फ्लावर तो बिल्कुल सही है, बस वो दो का मुझे बहुत टेंशन है कि वो दो ख़राब हो गए। अभी तो 2 दिन ही हुए और वो दो ख़राब, लेकिन मुहावरा बन गया 2 दिन हुए दो ख़राब। अभी देखिए मैं आज ये है कि मैं नहीं गई तो मैं शानिफ को भेजूंगी और जाके बोलूंगी कि फ्लावर वाले को बोले कि भाई क्या आपने तो कहा था कि ये 4 मंथ तक रहेंगे और ये तो 2 दिन में। ना मैं इतनी केयर कर रही हूँ, पता है सुबह फैसल जब जाते हैं ना 6:30 बजे तक ना, फैसल को मैं ना अल्लाह हाफिज कर फिर मैं सारे गमलों में पानी डालती हूँ, क्योंकि फैसल कहते हैं कि हमेशा ना पौधों को पानी सुबह डालना चाहिए। तो मैं ना सुबह इन सबको पानी डालती हूँ, और ये जो छोटे छोटे सारे फ्लावर्स हैं ना उनको मैं यहाँ रखती हूँ ताकि पानी जितना निकलना है निकल जाए सब कर। और फिर ना जब बाद में सेकेंड टाइम जब अब्दुल्ला के लिए नाश्ता और बनाने के लिए हम उठते हैं जब, तो फिर मैं ना फिर मैं इसको रखती हूँ ठिकाने ना, मतलब जहाँ जहाँ मुझे गमलों को रखना होता है, जैसे कि यहाँ है और ये 3 यहाँ है गमले, तो मैं फिर इन लोगों को ना ऐसे रखती हूँ। और ये 2 को मैंने वहाँ रखा हुआ है, 2 यूँ रखे, तो ये 2 मैंने यहाँ ऐसे रखे, तो फिर ये के फिर मैं इन गमलों को रखती हूँ। लेकिन मुझे इसका बड़ा अफसोस हो रहा है, दिल खराब हो गया मेरा। देखिए क्योंकि खिलने चाहिए ना, मैं समझती थी शायद धूप नहीं लग रही, मैंने इनको धूप में भी रखने की कोशिश की, लेकिन ये फ्लावर ऐसे ही है। सो आई होप आज का ये व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेंबर के साथ, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।